नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की अहम खबरों का। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद मिर्जापुर से, जहां समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ की ओर से जिला कार्यालय पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र मौर्य ने कहा कि विंध्याचल के रसूलपुर में नेशनल हाईवे 76, जो अब नेशनल हाईवे 35 हो गया, उसकी 4 लेयर सड़क का निर्माण करा दिया गया, लेकिन किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा यदि किसानों को मुआवजा 10 सितंबर तक नहीं मिला तो हम लोग किसानों के साथ व्यापक आंदोलन करेंगे। इस अवसर पर पूर्व प्रधान लालेश्वर मौर्य, पूर्व VDC संजय कुमार मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य आदि लोग उपस्थित रहे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी से गौरव विश्वकर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र मौर्य, वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष GD बिन्नानी PG कॉलेज मौर्य जी, अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पिछड़ा प्रकोष्ठ। मौर्य जी, DM साहब के क्या गुहार लगाने आए? जो है सब किसान यहाँ आए हैं DM साहब के गुहार लगाने। जो हाईवे नंबर NH76 प्रस्तावित हुई है, किसानों की जमीन ले ली गई है, लेकिन अभी तक उनको मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है। जो है 4.5 साल का समय बीत गया, अभी तक उनका मुआवजा नहीं दिया गया है। और अधिकारियों से बात करने पर जो है आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, 10 दिन मिल जाएगा, 25 दिन में मिल जाएगा, यही आश्वासन देते रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको मुआवजा प्रोवाइड नहीं किया गया है। जो है महामहिम राष्ट्रपति का भी उल्लंघन किया जा रहा है उनके आदेशों का।